हेलो एवरी वन एज यू ऑल नो दिस इज निहार का तिवारी सो गाइज व बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू ऑर सीरीज ऑफ कंपनी लॉ एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक तो पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे और मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है, है कॉमर्स ग्रुप एस डब्ल्यू एन डी राइट वहाँ पे फाइल्स ऑप्शन में जाके आपको जितने भी टॉपिक्स के जितने भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे राइट सो so, ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे देनी थी तो मुझे आपको देनी थी सो so, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सो नाउ गाइज इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बेसिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रमोशन ठीक है तो कंपनी कैसे बनती है हमने इससे पहले पढ़ा कंपनी क्या होती है कंपनी के फीचर्स को समझा हमने टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस किया है कंपनी लॉ के बेसिक में हम समझेंगे कि एक कंपनी बनती कैसे है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इनकॉर्पोरेशन ठीक है तो आज हम जो पढ़ने वाले वो है प्रमोशन प्रमोशन से काफी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि दो प्रिंसिपल स्टेज है में, पहला है प्रमोशन ऑफ द कंपनी जो इस पार्ट में कवर होगा नेक्स्ट है इन कॉपरेशन ऑफ कंपनी जो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा अब आता है प्रमोशन क्या होता है कंपनी का आप सोच रहे कंपनी का प्रमोशन मतलब क्या है? कि हमें सड़क पर जाके माइक लेके चिल्लाना है कि हमारी कंपनी है आ जाओ सामान खरीद लो हमारी कंपनी है आ जाओ शेयर खरीद लो क्या हम प्रमोशन कर रहे हैं क्या मार्केटिंग वाला प्रमोशन ही प्रमोशन है यहाँ पे कंपनी का तो अब देखिए प्रमोशन एक स्टेज होती है जहां पे आपको क्लिक करता है आइडिया कि हमें एक कंपनी बनानी चाहिए और इस आइडिया इस मॉडल पे वर्क करके हम एक कंपनी खड़ी करेंगे लाइक like मेरे दिमाग में मैं सोच रही थी मैं कंपनी मैं कुछ कर सकती हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं एक कंपनी बना सकती हूँ और कंपनी किस चीज़ पे बनाऊंगी मैंने कोई सोचा कोई आइडिया आया मुझे कि मैं एक फैशन इंडस्ट्री के किसी एक लाइन में जाके एक अपनी खुद का एक कंपनी एक अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करती हूँ तो मुझे एक आइडिया आया एक कंपनी को फॉर्म करने का जो मैं सोच रही हूँ कि इस मोड uh, पे मुझे बिजनेस uh, करना है एंड बैक टू कंपनी के फॉर्म को करके मतलब मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी मुझे सोल ट्रेडर नहीं करना मुझे कंपनी वाला मॉडल जो बिजनेस को सेटअप करने वाला है उसको यूज करके स्टार्ट करना है तो प्रमोशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां से फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी फॉर्म का जो एक बीज है ना कि माइंड में आ रहा है कि हाँ इस आइडिया पे वर्क कर सकते हैं इस आइडिया पे हम काम करके कंपनी बना सकते हैं द पर्सन इन्वॉल्व इन द टास्क इज कॉल्ड प्रमोटर और जो पर्सन इस टास्क में इन्वॉल्व है मतलब की ये जो प्रमोशन ऑफ द कंपनी है कि आपको आइडिया आया कि आपको कुछ स्टार्ट करना चाहिए आपको कंपनी बनानी चाहिए और कंपनी किस चीज पे बनानी चाहिए उसका जो आइडिया आपको क्लिक करता है तो जिस पर्सन को यह आइडिया आया है या जो पर्सन इस टास्क में इन्वॉल्व है प्रमोशन में उसे कहते हैं प्रमोटर प्रमोटर में वर्क अप द आइडिया विद्प ऑफ इज ओन रिसोर्स इन्फ्लुंस और कॉम्पिटेंस और मे If take the help of legal हो सकता उसको खुद से आइडिया आया हूँ खुद के रिसोर्स के हेल्प से उसको आइडिया आया हो सकता है कि भाई उसने दूसरे से, किसी लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस ली हो कि आप बताइए कि मैं किस तरीके की कंपनी बना सकता हूँ क्या प्रॉफिटेबल होगा क्या मार्केट में चलेगा तो दोनों तरीके से आपको आइडिया क्लिक कर सकता है नेक्स्ट है हमने देखा कि प्रमोटर कौन होता है वो जिसको ये आइडिया आया कि कंपनी स्टार्ट करना मतलब वो जो एफर्ट लेगा एक कंपनी को खड़ा करने के लिए उसने ही क्या किया है बिजनेस का आइडिया कंसीव किया है वो आइडिया खुद से भी आया है या उसने दूसरों की सलाह से या लोगों से एक्सपर्ट से गाइडेंस से लेके वो आइडिया उसने क्रिएट किया है सो अ पर्सनसीव दिजनेस प्लान द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड एक्चुअली ब्रिंग इट इनटू टू मतलब ये जो आइडिया है ना उसको एग्जिस्टेंस में लाता है एक्चुअली वो कंपनी खड़ा कर देता है उस आइडिया के बेस पे जो उसको आया था ही मे बी सेड टू बी द फादर ऑफ कंपनी प्रस्पेक्ट ऑफ गेन इन बिजनेस विच ही विशेष टू सेटअप एंड बिलीव डैट ही कैन परसुएट अदर टू थिंक एज ही ड मतलब भाई जैसे उसने सोचा कि यार ये कंपनी इस चीज पर खड़ी कर करी जा सकती है उसको आइडिया आया तो भाई उसी ने ही उस पूरा प्लान बनाया कैसे हम कंपनी बनाएंगे क्या हम करना चाहते हैं exactly, एग्जैक्टली कैसे वो एक्जिस्टेंस में आएगी कैसे वो मार्केट में आएगी तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम प्रमोटर को बेसिकली फादर कह सकते फादर कौन होता है जिसने उसे क्रिएट किया हो है ना तो ये फादर है कंपनी का जिसने उस बिजनेस को लाया है जो उसने उसको देखा है कि हाँ भाई मैं सेटअप कर सकता हूं जिसने ये चाह कि सेटअप करना चाहिए और जिसने लोगों को भी मनवाया कि भाई आप भी इस दिशा में सोचो और आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करो ठीक है तो ये था आपका मोटा मोटा कि प्रमोटर क्या है नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 269 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रमोटर को डिफाइन करती है कि प्रमोटर क्या है प्रमोटर एक पर्सन है Who has been named as such in prospectus or is identified by the company क्शन नाइन्टी टू मतलब एक इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट में इसने बताया कि प्रमोटर कौन होता है वो पर्सन होता है जिसका नाम एक प्रोस्पेक्टिस में जो कंपनी का प्रोस्पेक्टिस होगा वहां पर उसका नाम मैंशन होगा ठीक है या फिर जो कंपनी के जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि सेक्शन नाइन्टी टू के तहत है Who has over the of the भाई, वो जिसका कंपनी के अफेयर्स में क्या चल रहा है कंपनी में उसका, उसका उस पर पूरा कंट्रोल होता है डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है इनडायरेक्टली कर सकता है वेदर एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर और एज मतलब शेयर होल्डर भी बन, बन सकता है ठीक है उसके थ्रू भाई उसी की कंपनी उसी ने आइडिया लाया उसी ने उसको एग्जिस्टेंस में लाया तो पूरा कंट्रोल तो उसके हाथ में होगा ही ना कंपनी के अफेयर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है खुद इन्वॉल्व हो जाए ये तो इनडायरेक्टली किसी के थ्रू करवा सकता है शेयर होल्डर या डायरेक्टर की पोजिशन ले सकता है इन अकॉर्डिंग विद हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अकस्टमाइज टू एक्ट और इसी की ही ये एक ऐसा प्रमोटर पर्सन है जिसकी ही सलाह पे जो भी डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करते हैं काम करते हैं कंपनी में एक्ट लेते हैं एक्शन लेते हैं इसकी सलाह पे इसके इंस्ट्रक्शन पे इसके डायरेक्शन पे दिस शैल हाउ एंड नॉट अप्लाई टू पर्सन Who is in professional capacity. भाई, कोई ऐसा है जो आप सोचो की भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्शन दे रहा है इंस्ट्रक्शन दे, दे रहा है लेकिन वो प्रोफेशनल है लीगल मतलब प्रोफेशन एडवाइजर हो सकता है तो क्या वो प्रमोटर बन जाएंगे नहीं प्रमोटर वो नहीं बनेगा जो लीगल प्रोफेशन में है और लीगली या फिर प्रोफेशनल में आके प्रोफेशन के आउट ऑफ कोई सर्विस आपको दे रहा है तो आप सोचोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दे रेक्शन दे रहा हो तो वही तो पर्सन तो प्रमोटर हो जाएगा नहीं वो पर्सन प्रमोटर नहीं होगा वो उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए वो उसका एक इस तरीके का काम होना चाहिए जो प्रोफेशनल नहीं भाई वो कर रहा है क्योंकि वो उसका पार्ट है उस कंपनी का उसने उसको आइडिया लाया उसने उसमें, उसमें, उसमें खड़ा किया है तो उसका कंट्रोल है उसका कंट्रोल है उस कंपनी uh, के अफेयर्स में उसका कंट्रोल है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिशा दे उनको डायरेक्ट करे कैसे क्या करना है और कैसे नहीं करना है कंपनी उसकी तो करेगा भी भाई नेक्स्ट आता है कि और प्रमोटर को हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं प्रमोटर में भी इंडिविजुअल फैमिली फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी और इवन द गवर्नमेंट प्रमोटर कोई भी हो सकता है आप आप हो सकते हो आपकी पूरी फैमिली प्रमोटर बन सकती है भाई पूरी फैमिली ने सोचा लाया मेहनत करी बिजनेस कंपनी खड़ी करी फर्म हो सकती है एसोसिएशन हो, हो सकता है लोगों का ग्रुप हो सकता है कंपनी हो सकती है और इवन गवर्नमेंट हो सकती है गवर्नमेंट भी जब अपनी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करती है प्राइवेट पब्लिक कंपनी जो भी गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करती है ठीक है तो उसमें वो एज अ प्रमोटर वो करती है इट मे कवर एनी इंडिविजुअल कंपनी अ डायरेक्टर प्लेसेस शेयर्स और नेगोशिएट निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट वही इंडिविजुअल है प्रमोटर कौन है वो इंडिविजुअल है जो कंपनी को डायरेक्ट करता है उसके एफर्ट्स को कंट्रोल करता है ठीक है और जितने भी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें इंटर करता है उनको निगोशिएट करता है नेक्स्ट है प्रमोटर नीड नॉट बी एसोसिएटेड विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी अब आप सोचोगे कि मतलब प्रमोटर वही है जिसके अंदर दिमाग में आइडिया आया है जिसने स्टार्टिंग से जो कनेक्ट है पूरे कंपनी को खड़ा करने में क्या वही ही प्रमोटर हो सकता है बस नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉर्मेशन की इनिशियल फॉर्मेशन में अगर वो पर्सन इन्वॉल्व तो वही तो ही वो प्रमोटर होगा कभी कभी क्या होता है कि आपने खुद कंपनी नहीं फॉर्म करी आपने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया आपने किसी कंपनी को खरीद लिया है तो आपको आइडिया नहीं आया आपने स्टार्ट नहीं किया बस आप उस आ, एक प्रोसेस में आगे हो जब आपने उसको खरीद लिया एंड नाउ आप उसको क्या कर रहे हो आगे चला रहे तो भी वहाँ भी हो तो आप आप पे प्रमोटर हो, उस कंपनी को फर्दर उसको वर्क करा रहे हो तो प्रमोटर इन नॉट द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वन द फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल मतलब ऐसे लोगों को भी हम प्रमोटर कर सकते हैं कह सकते हैं जो जब कंपनी बन गई उसके बाद आपको क्या कराना होता है कैपिटल को फ्लोट कराना होता है आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर करने होते हैं पब्लिक को बुलाना होता है कि आप आइए शेयर खरीदिए और कैपिटल जो है वो इकट्ठा करनी होती है कंपनी के लिए तो वो पर्सन भी जो ये काम कर रहा है ना उसको भी हम प्रमोटर कंसिडर कर सकते हैं वो भी एक प्रमोटर ही है पर्सन डूइंग एक्ट ऑफ प्योरली मिनिस्ट्रियल नेचर ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटी फॉर एमोनिशन ऑफ फीस आर नॉट प्रमोटर यही है कि भाई जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी आउट ऑफ उसके कर रहे हैं जिससे कि आपने देखा कि लॉयर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए तो वो प्रमोटर नहीं बनेंगे यहाँ पे ये यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो लोग प्रमोटर नहीं होंगे प्रमोटर डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन बाय रीजन ऑफ इज एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी और इंगेज इन प्रोक्योरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वही है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी या लीगल कैपेसिटी के आउट ऑफ काम कर रहे हैं उन पर्सन को हम प्रमोटर कंसीडर नहीं करेंगे तो प्रमोटर कौन होता है वो इंडिविजुअल होते हैं जो कंपनी के आइडिया जिनके दिमाग में आता है ठीक है जो इनके आइडिया में क्लिक आता है और कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं पहला ये लिख सकते हैं दूसरा वो होते हैं जिनका कंपनी के अफेयर्स पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करते हैं एडवाइस करते हैं डायरेक्ट करते हैं इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि जो प्रमोटर है वो कंपनी के इनिशियल फॉर्मेशन से ही हो वो लोग वो पर्सन भी प्रमोटर हो सकता है जो कंपनी की कैपिटल को फ्लोट कराने में अरेंज करने में हेल्प करता है ठीक है या कंपनी आपने स्टार्टिंग से नहीं बनाई आपने किसी कंपनी को खरीद लिया टेक ओवर कर लिया अब आप उसमें फर्दर उसको एग्जिस्टेंस में कंटिन्यू करवा रहे हो कैपिटल को फ्लोट करा रहे हो तो भी ये यू आर वोट यू आर प्रमोट ठीक है तो ये कुछ पॉइंट थे प्रमोटर को लेके कि प्रमोटर कौन होता है क्वेश्चन बहुत आता है कंपनी का प्रमोटर कौन है प्रमोटर के बारे में बताइए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं नेक्स्ट जो आपका आता है यहाँ पे वो आता है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर प्रमोटर के क्या काम है सबसे पहले तो इसको बिजनेस का आइडिया आता है और क्या पॉसिबिलिटी है उस आइडिया को लेके वो ये करता है भाई उसको आइडिया आया और क्या वो आइडिया चलेगा नहीं चलेगा वो चीज़ पूरा एनालाइज करना एक्सप्लोर करना ये काम है प्रमोटर का दूसरा टू हंड्रेड एक डिटेल्ड टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रपोजिशन भाई जो उसको आइडिया आया जिस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या वो टेक्निकली सही है या नहीं ठीक है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं उसको कंडक्ट करने के लिए इकोनॉमिक जो भी कंसिडर है मैटर आपके कॉस्ट को, को लेके प्राइसिंग को लेके प्रॉफिट को लेके वो सही है यानी कमर्शियल फिजिबिलिटी है यानी बाइंग एंड या सेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है ट्रेड में कोई दिक्कत तो नहीं है ये सारी चीजें वो करता है डिटेल में एनालाइज तो एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकता है इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रमोटर तो ये काम है उसका टू कंडक्ट नेगोशिएशन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस इन केस इट इज़ इंटेंडेड टू परचेज एन एक्जिस्टिंग बिजनेस भाई एक तो हो सकता है आपको आइडिया है अपने स्टार्ट से एक बिजनेस सेटअप किया दूसरा हो सकता है कि आपने किसी का बिजनेस आपको खरीदना है ठीक है फिर उसको आपको आगे जाके चलाना है वो उसको आगे आपको रन करते रहना वो भी प्रमोटर ही है जो ये कर रहा है तो ये भी एक काम हो सकता है उसको कि भाई वो निगोशिएट करेगा कि कितने में वो बिज़नेस खरीद ले जिसको वो परचेज करना चाहता है

जो एग्री करें कि हाँ हम डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे कंपनी के उनको आपको लाना होगा क्योंकि भाई कंपनी का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब ये सारी चीजें आप लीगली सेटिस्फाई कर रहे हो प्रोसेस में तो ये काम भी किसका होता है प्रमोटर का होता है नेक्स्ट ये सारी चीज़ें डिसाइड करना है कि कंपनी का नेचर क्या होगा किस चीज़ में आप डीलिंग करोगे लोकेशन क्या होगी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की कितना कैपिटल लगाना है ठीक है किस तरीके का लगाना है अंडर राइटर और ब्रोकर्स कैपिटल इशू के लिए कैसे होंगे वो नेसेसरी अगर है तो बैंकर्स कौन कौन से बैंक आप कनेक्ट करोगे ऑडिटर कैसे होंगे आपके कहाँ कहाँ से ऑडिटर्स आप लाओगे ऑडिटर्स को लीगल एडवाइजर कौन होंगे किनको हायर करना है ये सारी चीजें किसका काम है प्रमोटर का काम है नेक्स्ट टू गेट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन कैसे बनाना है कैसे प्रिंट करना है ये काम भी प्रमोटर का है वो उसको करना है जो स्टार्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो ये एंटर करते हैं जिन्हें कहते हैं प्रिवरी कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टर्स इट्स फिलिंग एडवर्टाइजिंग इश्यू ऑफ कैपिटल जो प्रोस्पेक्टर्स होता है जैसे आपको कुछ अपने शेयर्स बेच रहे हैं उसके रिगार्डिंग में आप पूरा एक प्रोस्पेक्टस निकालोगे कि क्या है कितने का है कैसे बेचना है क्या क्या बेनिफिट है क्या रिस्क है ये सारी चीजें आपको एक प्रोस्पेक्ट में मैंशन करनी होती है अपने कंपनी के बारे में ये वो तो वो बनाना छपवाना उसको इशू करना अपनी कैपिटल को इशू करना ये सारे काम भी प्रमोटर के हैं जो भी स्टार्टिंग में एक्सपेंस होते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो भी इसको पे करने पड़ते हैं तो ये भी सही का काम है और फंड को अरेंज करना जो कंपनी के लिए चाहिए वो भी पूरी तरीके से अरेंजमेंट कर पाना ये भी इसका काम है प्रमोटर का काम है तो गाइस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि प्रमोटर के कौन कौन से काम है तो इसके आगे बहुत सारी चीज़ें और भी है प्रमोटर की कि प्रमोटर्स की क्या लाइबिलिटीज़ है उसका क्या स्टेटस है उसकी क्या रेम्यूनोरेशन है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एज वीडियो जो है वो आपकी बड़ी हो रही है तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है आपका डिटेल में कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का में प्रमोशन क्या होता है प्रमोटर कौन होता है प्रमोटर के बारे में डिस्कस किया कि प्रमोटर कौन होता है कौन नहीं होगा ठीक है फिर तो काम क्या है प्रमोटर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस किया है तो आई होप कि आप समझ पाए स्टिल कोई भी डाउट है अगर आपको उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू